अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे बेलगाम शहर कभी अमन पसंद शहर के नाम से जाना जाता था, अक्सर आज भी वजीर आफ्ता सरकारी मोकमा के लोग बेलगाम शहर में रहना पसंद करते हैं। इसकी खसूसियत यह है कि यहाँ के आबो हवा खाना दिगर शहरों से बेहतर तो है ही, और यहाँ तमाम मजाहिब धर्म भाषा के लोग भी मिलजुल कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से यहाँ भी मजहबी तशद्दुद का घिनौना खेल खेलने की कोशिश कुछ फिरका पर ज़हनियत के लोगों की जानिब से खेला जा रहा है। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर यहाँ की फिजा को खराब करने की कोशिश की जाती है। आवाम बेहाल है, पहले तो कारोबार नहीं, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। सड़कों पर तिजारत करने वालों से लेकर बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक भी गिरती मईशत, बंद होते कारोबार और बारह किसी न किसी वजह से शहर में तशद्दुद का माहौल बाहरी लोगों को शहर में आने पर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इसका नुकसान बेलगाम के शहरियों को तो होता ही है, अब तो दिगर रियासतों से भी काफी लोग अपने रोज रोटी के लिए बेलगाम में कयाम करना पसंद कर रहे हैं। खैर, हर कोई अपने मुकद्दर की रोजी रोटी हासिल करता रहता है, लेकिन मकामी लोगों के कारोबार इसकी वजह से भी फर्क पड़ता है, ये भी सच्चाई है। मजीद अफसोस का मकाम यह है कि सियासी पार्टियां मजहबी तशद्दुद को इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि अक्सरियत वोट बैंक को पोलराइज कर सके, लिहाजा इसका असर भी बड़े पैमाने पर महसूस किया जा रहा है। बेलगाम शहर में रामसेना, बजरंग दल, RSS और दिगर तंजीमों इदारों की भी सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। इन्हीं पार्टियों से निकलकर भाजपा में बड़े उदों पर लोग फाइज हो चुके हैं। गलत बयानबाजी और बिना किसी दलील के कुछ भी कहकर माहौल में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में हैदराबाद के संसद, जो हमेशा मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलने वाले राजा सिंह को भी बेलगाम मधु किया गया था। आप सभी इस बात से भी वाकिफ हैं कि पिछले कुछ दिनों से MES और कन्नड़ तंजीमों के दरमियान भी तनाव का माहौल बन चुका है। लेकिन भाजपा ग्रामीण के सदर धनंजय यादव, जो पहले बजरंग दल के सरगर्म कारकुन रह चुके हैं, गलत बयानबाजी के जरिए नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा ग्रामीण सदर धनंजय यादव बेलगाम में मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं को भगाने की बात कहते हुए न्यू गांधी नगर और दरबार गली से हिंदुओं को भगाने की बात कर रहे हैं। यानी पहले यहाँ पर हिंदू थे, पर अब मुसलमानों के डर से हिंदुओं ने घर छोड़कर चले गए या फिर लापता हुए। अब कोई इससे पूछे कि क्या यहाँ के हिंदुओं को लापता किया गया? आखिर इस तरह की बयानबाजी से धनंजय यादव क्या हासिल करना चाहते हैं? इस तरह की बयानबाजी जो झूठ की बुनियाद पर मबनी है, क्यों बार बार दोहरा रहे? ये शख्स क्या बेलगाम की फिजा को तनाव में बदलना चाहता है? इन्हें कुछ भी कहने की आजादी दी जा रही है? सभी जानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव भी एक साल के अरसे की दूरी पर है। भाजपा ने दावा किया है कि 150 सीट जीतने का। क्या इसके लिए ऐसे माहौल बनाया जा रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है? क्या पुलिस की कार्रवाई ऐसे लीडरों पर क्यों नहीं की जाती, जबकि सभी जानते हैं आज भी न्यू गांधीनगर में गणपति का पेंडाल और गणेश मूर्ति बिठाई जाती है। यहाँ के कारपोरेटर अजीम पटवेगार के दफ्तर के सामने और अजीम पटवेगार के जेर निगरानी यहाँ गणेशोत्सव मनाया जाता है, और पिछले कई सालों से इस त्योहार को बिना किसी रुकावट के मनाया जा रहा है। और यही सच्चाई है, पर झूठी कहानियां गढ़कर नफरत का माहौल बनाने का जो तरीका भाजपा के कुछ लीडरों ने निकाला है, इसे कहीं तो रोकना होगा। अंबेवाड़ी और गणेशबाग दोनों तरफ इस तरह बयानबाजी धनंजय यादव की जानिब से की गई है, और मुसलमानों की जानिब से गैर मुस्लिमों के घरों को दरबार गली में दरवाजों पर लातों से मारे जाने का इल्जाम भी लगाया। आखिर इस तरह के इल्जाम किस बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं? क्या पुलिस किसी सियासी दबाव में कार्रवाई करने से खतरा रही है? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। झूठी कहानियां गढ़कर अगर किसी तरह तनाव का माहौल खड़ा हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? लिहाजा तमाम बेलगाम के आवाम ने ऐसी बयानबाजी पर भाजपा आला लीडर और इंतजामिया भी सख्ती से कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। बेलगाम यकीनन अमन पसंद शहर है, और इसे बरकरार रखना बेलगाम के शहरियों के साथ बेलगाम के सियासी लीडर और पुलिस इंतजामिया का भी फर्ज है। अब तक पुलिस इंतजामिया ने बेलगाम शहर के लिए हमेशा बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए। उम्मीद करते हैं कि किसी भी पार्टी मजहब का शख्स हो, शहर की फिजा को आलूदा बनाने से रोकना होगा, वरना इसकी कीमत हम सभी के साथ गरीब मजदूर किसानों को भी चुकानी पड़ती है, इसका ख्याल होना चाहिए। अभी बजरंग दल मध्ये असताना न्यू गांधीनगर मध्ये पाचा युवक गणेशोत्सव मंडळ साजरे केले जात होते। त्या गणेशोत्सव मंडळ साजरे करत असताना तिथल्या हिंदूंना धीर देण्यासाठी महाआरतीसाठी आम्ही जात होतो, पण आज न्यू गांधीनगर मध्ये एकही गणेशोत्सव शिल्लक नाही, एकही पेंडाव शिल्लक नाही आहे, गणेशोत्सव साजरा केला जात नाही। काय झालं न्यू गांधीनगरमध्ये हिंदूंचं? एकतर घर सोडून विकून गेले आणि तिथून लापता झाले। खूप लांब सांगायची गरज नाही, जेव्हा जेव्हा बेळगावला चांगली झाल्या दरबार गल्लीतल्या हिंदूंचा फोन येत होता, दरवाज्याला लाटा मारताय, दरवाजे तोडताय वाचवा म्हणून।
त्यावेळा आम्ही जात होतो त्याला पोलीस डिपार्टमेंटकडे घेऊन त्यांना जात होतो वाचवण्यासाठी. पण आज त्या दरबार गलीमध्ये एक हिंदूंचा घर शिल्लक नाही आहे. त्या हरामखोरांना माहिती पाहिजे, हा इतिहास माहिती पाहिजे, ज्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यामुळे आज आम्ही हिंदू म्हणू शकतोय. एमएलसी चुनाव के बाद अब अथनी में भी नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत से आने वाले चुनाव में कांग्रेस फिर से इक्तदार पर आ सकती है क्या, ऐसी उम्मीद कांग्रेसियों में नजर आ रही है. भाजपा का धर्म जात पात का कार्ड वैसे भी सिर्फ शहरी सतह पर ही चलता है, लिहाजा एक बार फिर भाजपा को अथनी नगर पंचायत में मुंह की खानी पड़ी. कांग्रेस ने सीधे कामयाबी हासिल करते हुए इक्तदार का रास्ता साफ कर दिया है. खास बात यह भी रही कि अथनी भाजपा के बड़े लीडर महेश कुमटल्ले और वजीर रियासत लक्ष्मण सऊदी होने के बावजूद भी अपने आप को बचा नहीं पाई. कुल 27 सीटों में से कांग्रेस 15 पर भाजपा 9, जेडीएस 1. इसी तरह हारूगिरी मुगलखोड़ मनोली सौंदती में कांग्रेस कामयाब रही तो भाजपा ने रायबाद की तुरशेदबाड़ में बढ़त हासिल की है. लेकिन फिर ऐनापुर चिंचली में कांग्रेस ने भाजपा से आगे बढ़त हासिल की है. बोरगांव सदरगांव में जोड़े मियां बीवी का असर भी फीका रहा और वो अपना असर दिखाने में नाकाम रही. कुल मिलाकर भाजपा के अच्छे दिन की बजाय कांग्रेस के ही अच्छे दिन आते नजर आ रहे हैं, ऐसी चर्चा आवाम में जारी है. बीजापुर में भी इसी तरह कांग्रेस का परचम लहराया गया. इस जीत पर कांग्रेस रियासती सदर डीके शिवकुमार ने कामयाबी पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि यह जीत कांग्रेस के साथ पूरी आवाम की जीत है. एमएस के 40 कारकुनान की गिरफ्तारी के साथ कुछ पर 124 राजद्रोह की दफाएं लगाई गई है. लेकिन कन्नड़ तंजीमों का गुस्सा अभी भी ठंडा नजर नहीं आ रहा. आज फिर बेंगलोर में कन्नड़ रक्षण वेदिके की जानिब से इन पर पाबंदी की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र की गरण समिति पर पाबंदी लगाकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई. कन्नड़ रक्षण वेदिके के नारायण गौड़ा ने बेलगाम भाजपा लीडरों पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मराठी वोट बैंक के लिए भाजपा हुकूमत इनके साथ नरम रवैया इख्तियार कर रही है. मैसूर सर्कल के करीब बैरिकेड्स लगाकर कारकुनान की गिरफ्तारी भी की गई. आप हमारे घर आए, खुदा की कुदरत है की तरह बेलगाम शहर में जब भी कोई सरकारी मेहमान यानी नेताजी तशरीफ लाते हैं तो पूरे बेलगाम शहर को घुसल देने का काम शुरू होता है. सड़कें, डिवाइडर, सभी को साफ पानी से नहलाया धुलाया जाता है. रोशनी से शहर जगमगाने लगता है. तरह तरह के रंग बिरंगे लाइट्स नजर आने लगते हैं और खासकर सेशन के वक्त तो शहर दुल्हन की तरह सजाया जाता है. लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है फिर से अपने आप शहर के लाइट्स बुझने लगते हैं, फिर कचरे का ढेर नजर आने लगता है. स्मार्ट शहर की एक बदसूरत तस्वीर फिर से नजर आने लगती है. लिहाजा इसी तस्वीर को एक बार फिर महसूस किया जा रहा है. बेलगाम शहर के कई अहम सड़कों पर अंधेरा नजर आ रहा है. क्या सिर्फ सियासी कायदों के लिए ही बेलगाम शहर को खूबसूरत बनाया जाता है? क्या आखिर आंखों में इस तरह धूल क्यों फेंकी जाती है? ऐसा सवाल आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.